रिडिकुलस, रिडिकुलस माँ, आप हंस रही हैं? क्या आपको ये सब कोई मजाक लग रहा है? माँ, यहाँ मेरी जान पर बन आई है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जानती हैं, ये सब होने के बाद दक्ष मुझे कभी नहीं अपनाने वाला। You are supposed to give me a solution. यही तो है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम केशवी। छोटी छोटी बातों से घबरा जाती हो, हार मान लेती हो। तुम्हारे पास इतना बड़ा मोहरा है, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी कामयाबी के लिए किस तरह से किया जाता है ये तुम नहीं जानती। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। मोहरा? कैसा मोहरा? प्रणाम माता। उसे बिठाओ। तुम्हारा मोहरा खुद चलकर यहां आया है, अब देखना सामने वाले की ताकत और कमजोरी का फायदा किस तरह से उठाया जाए। उसके बाद तुम रंज मनाने की बजाय शतरंज का खेल खेलने लगो। बोलो प्रांजल। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं मां। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई सनसनी फैला कर आए। हाँ माँ, कल रात पलक और मैं वाकई में पति पत्नी बने और मैंने पलक का रेप कर। पति पत्नी के बीच में ये आम बात है। तुम इन सारी बातों की टेंशन छोड़ो। तुम्हें एक काम करना है, किसी भी तरह से दक्ष और केशवी की शादी करवा दो। इन दोनों की शादी से तुम्हें ही फायदा होगा प्रांजल। और वैसे भी दक्ष तुम्हारे और पलक के बीच में सबसे बड़ा कांटा है। माँ, मैं उन दोनों की शादी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उन दोनों की शादी होकर ही रहेगी। तथा अब मैं चलूंगा माँ। जाओ प्रांजल, ईश्वर करे तुम्हें हर कदम पे कामयाबी मिले। देखा केशव, ये है तुम्हारा मोहरा जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपना दांव खेलो और फिर देखो कामयाबी तुम्हारे कदम कैसे चूमती है। थैंक यू मां, चलती हूं। आखिरकार तुम सब तो हो मेरे मोहरे, तुम सब से फायदा तो मुझे ही होगा। इसे कहते हैं जय और मात, हार और जीत।